Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. ऑन्टारियो के महकमा सेहत के हुक्काम 27 अफराद के टेस्ट के नतीजे के मुंतजर हैं, जिनमें मुमकिन तौर पर कोरोना वायरस मौजूद हो सकता है। कनाडा के वजीर सेहत पेटी हाइडू का कहना है कि कोरोना वायरस के हवाले से कनाडा पहले ही कई बेहतरीन इकदाम उठा रहा है। ऑन्टारियो इंग्लिश कैथोलिक टीचर्स एसोसिएशन की मुजाकरात की मेज पर वापसी, हुकूमत से संजीदा रवैया अपनाने का मुतालबा भी कर दिया। मॉन्ट्रियल पुलिस के हाथों मुबैना तौर पर हराक होने वाले शख्स के लवाकीन ने सूबाई हुकूमत से माली मदद का मुतालबा कर दिया। टोरंटो में इस वीकेंड पर हल्की बर्फबारी और बारिश का इम्कान, सूरज भी अपने रंग दिखाएगा। महकमे मौसमियात ने मिला जुला मौसम रहने की पेश गोई कर दी। बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से 47 साल बाद अलहदगी, अहम इमारतें बल्कि कुमकुमों से रोशन। ब्रेक्सिट के मुखालिफीन ने रात गए लंदन में मुजाहरा किया। आलमी इदारा सेहत ने तेजी से फैलते मौलिक कोरोना वायरस के बाइस बैन अलाकौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी। फेसबुक का वायरस से मुतालिक गुमराहकुन पोस्टें डिलीट करने का फैसला, हलाकतों की तादाद 212 तक पहुँच गयी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Pandit Vijay Ram, a famous astrologer and psychic healer, palm reading, face reading, horoscope. Pandit Vijay Ram का कहना है, इनके पास आपकी तमाम समस्याओं का हल है। काले जादू का तोड़, आपका महबूब आपके कदमों में, आपकी मैरिज, जॉब, कारोबार, बीमारी और कोर्ट कचहरी समेत तमाम समस्याओं का हल। तमाम धर्मों के बहन भाइयों की मुश्किलात दूर कर सकते हैं। All religions welcome. पंडित विजय राम से राबता कीजिए 6473912133 6473912133 एड्रेस 5330 यंग स्ट्रीट नॉर्थ यॉर्क टोरंटो। ऑन्टारियो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ऑन्टारियो के महकमे सेहत की एक ऑफिसर की जानिब से कहा गया है कि सूबे भर में 67 अफराद के कोरोना वायरस के टेस्ट हुए थे, जिनमें 38 के नतीजे नेगेटिव आए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ऑन्टारियो के महकमे सेहत के हुकाम की जानिब से कहा गया है कि सूबे में कोरोना वायरस के दो केसेस सामने आने के बाद 27 अफराद के टेस्ट के नतीज के मुंतजर हैं, जिनमें मुमकिन तौर पर कोरोना वायरस मौजूद हो सकता है। ऑन्टारियो के महकमे सेहत की एक ऑफिसर की जानिब से कहा गया है कि सूबे भर में 67 अफराद के कोरोना वायरस के टेस्ट हुए थे, जिनमें से 38 के नतीज नेगेटिव आए, जिनमें से 27 के नतीज के मुंतजर हैं, जो कि अस्पताल में नहीं बल्कि अपने घरों में मौजूद हैं। वाज रहे कि कैनेडा भर में कोरोना वायरस के तीन केसेस सामने आए हैं, जिनमें से दो ऑन्टारियो जबकि एक ब्रिटिश कोलंबिया में है। दूसरी जानिब क्वेबेक सूबे के डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने ऐलान किया है कि सूबे में कोरोना वायरस का कोई भी केस मौजूद नहीं है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम शहरियों को पैगाम देना चाहते हैं कि उन्हें कोरोना वायरस से घबराने या अपने ऊपर खौफ तारी करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वायरस के सबब एक सबसे बड़ा मसला अफवाहें और गलत मालूमात है। उन्होंने कहा कि हमारे इकदाम काबिल इत्मीनान है, जबकि हम इस सिलसिले में अलर्ट हैं और हम अपने शहरियों की हिफाजत के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा की वजीरे सेहत की जानिब से कहा गया है कि WHO की ग्लोबल इमरजेंसी हकीकी है, जो कि उन ममालिक के लिए अहमियत रखती है जो कनाडा जैसे इकदामात नहीं कर रहे। पेटी ने कहा कि हम केसेस की तशखीस में बरवक कामयाब हो गए हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीरे सेहत पेटी हाइडू का कहना है कि कोरोना वायरस के हवाले से कनाडा पहले ही कई बेहतरीन इकदाम उठा रहा है, जबकि आलमी इदारा सेहत की जानिब से हंगामी सूरत हाल के ऐलान के बाद कनाडा को इसमें तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आलमी इदारा सेहत की ग्लोबल इमरजेंसी हकीकी है, जो कि उन ममालिक के लिए बेहद अहमियत रखती है जो कनाडा जैसे इकदाम नहीं कर रहे। पेटी ने कहा कि हम केसेस की तशखीस में बरवक कामयाब हो गए हैं, ताकि लोगों की मदद की जा सके और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। दूसरी जानब ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा ने चीन में फंसे अपने 196 शहरियों को वापस लाने के लिए एक तैयारा तैयार किया हुआ है, ताहम वो चीन की इजाजत के मुंतजर हैं।
कुछ बात करेंगे OECD की। सदर का कहना है कि हमारी तवज्जो किसी भी मुहादे की तकमील पर है, लेकिन हुकूमत को ये समझना चाहिए कि तनख्वाहों में कटौतियाँ किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो इंग्लिश कैथोलिक टीचर्स एसोसिएशन की सदर लिज स्टूरेट की जानिब से कहा गया है कि वो 3 फरवरी को हुकूमत के साथ मुजाकरात की मेज पर वापस आ रहे हैं। एक तहरीरी बयान में उनका कहना था कि उनकी यूनियन को मुजाकरात की मेज पर वापस बुलाया गया है, जबकि आइंदा हफ्ते होने वाली एक रोजा हड़ताल को आगे बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें बातचीत के लिए वापस आने पर खुशी है, तहम ये देखना होगा कि ये मुजाकरात कितने संजीदा होंगे। उनका कहना था कि हम मामलात का बेहतरीन हल चाहते हैं, हम तलबा का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। हमारी तवज्जो किसी भी मुहादे की तकमील पर है, लेकिन हुकूमत को ये समझना चाहिए कि तनख्वाहों में कटौतियां किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। वुकला का कहना है कि क्वेबेक हुकूमत को मॉन्ट्रियल में पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले शहरी के अहलखाना की माली मदद करनी चाहिए। जी जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल पुलिस के हाथों मुबीना तौर पर हलाक होने वाले शख्स के लवायकीन सूबाई हुकूमत से माली मदद तलब कर रहे हैं, ताकि वो उनकी नुमाइंदगी के लिए वकील का बंदोबस्त कर सके। पेयर कोरियोलॉन के रिश्तेदारों की मदद करने वाले वुकला का कहना है कि उनका मुतालबा जायज है। उनमें से एक वकील का कहना था कि हमें पुलिस की गवाही और कहानी को चैलेंज करना होगा, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हमारे पास सूरत हाल का सही अंदाजा है। कोरियोलॉन, जिनकी उम्र 58 बरस थी, उन्हें उनके अपार्टमेंट की इमारत के हॉलवे में पुलिस ने गोलियां मारकर कत्ल किया था। फरवरी 2017 में इस वाकये की तहकीकात का आगाज किया गया था। मकतूल शख्स के अहले खाना के वकील और हुकूक की तंजीमों का एक ग्रुप जो उनकी तरफ से लड़ रहा है, उनका कहना है कि ये खानदान कानूनी नुमाइंदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लिहाजा क्वेबेक हुकूमत को उनकी माली मदद करनी चाहिए। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो में महकमे मौसमियात ने इस वीकेंड पर मिला जुला मौसम रहने की पेशगोई की है। इस वीकेंड पर शहर में सूरज भी अपने जलवे दिखाएगा, जबकि हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो में महकमे मौसमियात ने इस वीकेंड पर मिला जुला मौसम रहने की पेशगोई की है। इस वीकेंड पर शहर में सूरज भी अपने जलवे दिखाएगा, जबकि हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। शहर का दर्ज हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो रात में -6 तक जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज शहर में हल्की धूप निकलेगी, दर्ज हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जो की रात के औकात में -2 तक पहुँच जाएगा, जबकि रात में हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। इतवार के रोज शहर में बादल छाए रहेंगे, जबकि दर्ज हरारत दिन के औकात में 3 जबकि रात में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि दिन के औकात में हल्की बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात की जानिब से मॉन्ट्रियल के लिए स्मोक वार्निंग जारी की गई है, जबकि शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। हवा में आलूदगी का तनासुब बढ़ने से शहरी इलाके ज्यादा मुतासर होंगे। स्पेशल वार्निंग में कहा गया है कि स्मोक से बच्चे, दमे या सांस के बीमार और दिल के अमराज में मुबतला अफराद ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। माहरीन की जानिब से उन अफराद को इस दौरान घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने और शदीद जिस्मानी सरगर्मियों से गुरेज करने का कहा गया है, जबकि एनवायरमेंट कनाडा के अलर्ट्स पर नजर रखने को कहा गया है। और कुछ बात करेंगे, ब्रिटिश अरकीन यूरोपी पार्लियामेंट ने आखिरी वोटिंग सेशन मुकम्मल कर लिया। इस तरह 1973 से शुरू किए गए सफर का 2020 के आगाज में अख्तिताम शुरू हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के मौके पर ब्रसल्स में अहम इमारतें बल्कि कुमकुमों से रोशन कर दी गईं, जबकि ब्रेक्सिट के मुखालिफिन ने रात गए लंदन में मुजाहरा किया और यूरोपीय यूनियन के हक में नारे लगाए। ब्रेक्सिट के मुखालिफ और यूरोपीय यूनियन की हिमायत में लंदन में रात गए मुजाहरा किया गया। इम्कान है कि बरतानवी वजीर आजम इस बात पर भी जोर दें कि अब आगे की जानब देखा जाए, नया सूरज तुलू होगा जो हकीकी तब्दीली साबित होगा। ब्रिटिश अरकान यूरोपीय पार्लियामेंट ने आखिरी वोटिंग सेशन मुकम्मल कर लिया। इस तरह 1973 से शुरू किए गए सफर का 2020 आगाज में अख्तिताम हो गया है। इस मौके पर कई यूरोपीय अरकान ने पार्लियामेंट की आंखें नम थी। बरतानिया में यूरोपीय यूनियन के हामियों ने पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा किया और यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के ताल्लुक को मुल्क की मईशत और इस्तेकाम के लिए अहम करार दिया। बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के मौके पर ब्रसल्स में अहम इमारतें बरकी कुमकुमों से रोशन कर दी गई। अहम मकामात को बरतानिया के कौमी परचम के रंगों से मुनव्वर कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर कॉन्सर्ट्स का भी एहतमाम किया गया, जिसमें गीत गाकर बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के 47 बरस के रिश्ते को खराज तहसीन पेश किया गया। यूरोपीय यूनियन से बरतानिया की तलाक खुद बरतानिया के लिए भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। ब्रेक्सिट की कीमत के तौर पर बरतानिया के हुक्मरान पार्टी ने अपने 2 वजीर आजम की कुर्बानी दी और अब स्कॉटलैंड और आयरलैंड की अलहदगी के खदशात का भी सामना है। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, आलमी इदारा सेहत ने तेजी से फैलते मोहलिक कोरोना वायरस के बाइस बैनुल अक्वामी इमरजेंसी नाफिज कर दी और कहा है कि चीन में फैलते वायरस की वजह से बैनुल अक्वामी सफरी पाबंदियां बिलाजवाज हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
आलमी इदारा सेहत ने तेजी से फैलते मोहलिक कोरोना वायरस के बायस बैन अलाक्वामी एमरजेंसी नाफिज कर दी और कहा कि चीन में फैलते वायरस की वजह से बैन अलाक्वामी सफरी पाबंदियां बिला जवाज हैं। WHO का कहना है कि इकदाम की अहम वजह बीमारी से चीन में पैदा सूरत हाल नहीं बल्कि दीगर ममालिक में पेश आने वाली सूरत हाल है। जिन ममालिक में सेहत का निज़ाम कमजोर है वहाँ ये बीमारी फैल सकती है। आलमी इदारा सेहत ने चीन से मुख्तलिफ ममालिक के शहरों के इनखला की मुखालफत कर दी। अलावा अजी चीन में मोहलिक कोरोना वायरस से 24 घंटों में मजीद 42 अमवात हो गई। इसके साथ हलाकतों की तादाद 212 हो गई जबकि 10,000 अफराद अस्पतालों में दाखिल हैं। इटली में कोरोना वायरस के 2 केसेस की तस्दीक कर दी गई है। 2 चीनी सयाहों में कोरोना वायरस पाया गया है। थाईलैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत कई ममालिक के बाद इटली 19वां मुल्क है जिसमें कोरोना वायरस के मरीजों की तस्दीक की गई है। जनूबी कोरिया, फ्रांस और बरतानिया ने मुतासर सूबे से अपने शहरों का इनखला शुरू कर दिया। रूस ने कोरोना वायरस के पेश नजर चीन के साथ सरहद बंद करने का ऐलान कर दिया है जबकि बरतानिया अपने शहरों को चीन से आज निकालना शुरू करेगा। अमेरिका में कोरोना वायरस की 1 से 2 शख्स में मुंतकली होने की तस्दीक कर दी। अमेरिकी वजीर तजारत ब्लेयर रॉस का कहना है कि कोरोना वायरस की वबा अमेरिका के लिए अच्छी साबित हो सकती है। कंपनियां अब अमेरिका में लोगों को नौकरियां देंगी। दूसरी जानब सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक ने भी कोरोना वायरस से मुतालिक फैलने वाली अफवाहों को हटाने का फैसला किया है। फेसबुक की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना वायरस से मुतालिक गुमराहकुन मालूमात जिनमें गलत मशवरे भी शामिल हैं उसे वेबसाइट से डिलीट किया जाएगा। इसी के साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कैनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।